अभी रिसेंटली ना इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए अभी हम एक घर पे गए थे जो कि हमें क्लाइंट ने बुलाया था। तो बेसिकली मैं आपको कुछ फोटो शेयर करता हूँ, मतलब उनका क्या क्या काम हो रखा था। बेसिकली सीलिंग उनकी हो रखी थी, काफी सारी चीजें उन्होंने ऑलरेडी प्लान कर रखे थे। तो उनके क्या प्लान कर रखे थे, उसमें क्या क्या हमने करेक्शन करवाए और किस तरीके से जो है छोटी छोटी चीजों के चेंज करने से आपका जो एम्बियंस है, जो इंटीरियर है, कितना इम्पैक्ट होता है, वो सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। और ये भी सीखने के लिए मिलेगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इंटीरियर डिजाइनिंग की घर के लिए। तो बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ऑलरेडी इन्होंने फॉल सीलिंग करवा रखा था। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो इन्होंने इनफैक्ट लाइटिंग की कटिंग भी यहाँ पर जो है वो करवा रखी थी। देख रहे हैं लाइट की कटिंग हो रखी है, यहाँ पे कटिंग हो रखी है और फॉल सीलिंग भी करवा रखी है। अब सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि जब हमने इनकी सीलिंग देखी तो बेसिकली पीओपी की सीलिंग हो रखी थी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एजेस है वो प्रॉपर नहीं थी, यहाँ पे भी एजेस प्रॉपर नहीं थी, तो वो तो खैर एक अलग बात हो गई। तो सबसे पहले तो ये कि इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ओपन वायरिंग यहाँ पर जो है वो जा रखी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो पैनल लाइट्स का यूज यहाँ पे कर रखा है, क्योंकि हमने कहा कि पैनल लाइट्स के साथ साथ आप जो है आप सबसे पहले तो पैनल लाइट का यूज आप इसमें मत करवाइए। अगर आपको एक एम्बियंस है तो यहाँ पे सीओबीज का यूज करवाइए। अब इसमें एक और मजेदार बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज आ रहा था कि जब हमने फॉल सीलिंग वाले से बात करी तो उन्होंने कहा कि हमने जो कटिंग कर रखी है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो कटिंग नहीं हो पाएगी। अब इसके अलावा आप किस तरीके से कटिंग करेंगे वो आप देख सकते हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज था कि ये कटिंग जो है वो अगर हम बंद करते तो यहाँ पर हम जो है वो कटिंग नहीं कर सकते थे। फिर दूसरी चीज आप देख रहे हैं ये आपका जो है वो टेम्पल का कर्व है, ये बड़ा डिफरेंट सा कर्व है। तो फिलहाल इसका हमने ये डिसाइड करा, जैसे कि इनके डोर जो थे तो ये आपके लगभग 6 फीट 6 इंच के आसपास थे, तो हमने कहा कि इसके लेवल से हम क्या करेंगे, ये पैनलिंग कर देंगे यहाँ पे और इसको नीचे कर देंगे, तो ये भी यहाँ पे पैनलिंग हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल ये जो है ये पोर्शन जो है इस तरीके से आपका एकदम चकोर आपको एक आर्च टाइप जो है इसमें मिल जाएगा। तो ये हमारा इसमें डिसाइड हुआ। फिर ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये बेसिकली इनका एग्जिस्टिंग टेम्पल था। तो अब इसमें क्या था कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हर किसी को लगता है कि यार उनकी पुरानी चीजें यूज हो जाए, खर्चा ना हो, और हम भी उस चीज को समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो फिलहाल हमने इनको बोला कि हमें इसका जो मेन जो बेस है उस पर हम कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ ये जो आपका फ्रंट है ना, सिर्फ फ्रंट वाले पोर्शन को हम पल्ले चेंज करेंगे। और क्या चेंज करेंगे मैं अभी जब आपको डिजाइन दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरीके से चेंज किया, और जो हैंडल है इसको चेंज करेंगे। तो ये हमारा जो यहाँ पर डिसाइड हुआ। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको इसका लेआउट एक बार शेयर करता हूँ। तो देखिए ये आपकी एंट्रेंस थी इस पोर्शन में, ये जो पूरा पोर्शन है आप देख रहे हैं, तो आपका ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये पूरा ड्राइंग रूम का पोर्शन था। ये आपकी बेल्कनी, यहाँ पे बेल्कनी आ गई, बेल्कनी में जाने का रास्ता था, और ये वही आर्च था जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आर्च जाएगा, और पूरे साइजेस यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो अभी क्या था कि इनके जो सोफे जो डिसाइड हो रखे थे बनाने के लिए वो कुछ इस तरीके से हो रहे थे, इस तरीके से जो है ये आपके सोफे जो आएंगे ऐसे यू शेप में प्लान कर रहे थे इस तरीके से, और टीवी प्लान कर रहे थे इधर की साइड में, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये था कि मतलब टीवी इस तरीके से आ गया यहाँ पर, ये सेंटर में नहीं है पहली बात, और यहाँ पे कोई बैठेगा व्यक्ति तो उनके लिए थोड़ा सा एंगल एक किस तरीके से क्रिएट हो जाएगा, तो थोड़ा अटपटा सा बन रहा था। और दूसरी चीज है कि विंडो में अगर सोफा आएगा तो विंडो की आपकी नेचुरल लाइट भी ब्लॉक होगी। तो फिर हम इनकी सेटिंग के बारे में बात करते हैं कि बेसिकली इन सेटिंग सोची तो किस तरीके सोच रखी थी कि इस तरीके से आपका यू शेप का सोफा आ जाएगा और यहाँ पे आपका टीवी पैनल आएगा। तो टीवी पैनल अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर कोई व्यक्ति बैठेगा तो ना, तो एंगल कुछ इस तरीके से बन रहा था कि वो थोड़ा सा क्लियर जो है वो यहाँ पर नहीं आता। तो ये एक पॉइंट था जो कि उन्होंने पहले से कंसीडर करा, तो आपको भी डिजाइन में समझ आ जाएगा कि किस तरीके से इसका डिजाइन हमने निकाला। तो इसमें ओवरऑल जो है एक ये सेटिंग थी कि इस तरीके से हम सोफा यहाँ पर जो दे सकते हैं, लेकिन अगेन टीवी पैनल का थोड़ा सा चैलेंज था। तो ये आपने स्पेस तो समझ लिया कि किस तरीके से स्पेस जो यहाँ पर आएगा। और फिर इसमें एक इनकी रेडीमेड एक कबर्ड भी बनी हुई थी जिसको बेसिकली हमने यहाँ पर प्लेस करने के बारे में सोचा, और एक टेम्पल आपका यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा आप ये सोचेंगे कि ये क्या है, ये तो बेसिकली क्या है कि पुरानी चीजों को जब यूज करना होता है तो पुरानी चीजों के साइजेस भी आपको पता होने चाहिए। तो हमने वो सारे साइजेस लिए थे, लाइक आप देख रहे हैं कि ये आपका सोफे का साइज हो गया कि क्या साइज है, देन फिर ये 2.5 फीट बाय 9 फीट 3 इंच का, फिर दूसरा सोफे का साइज हो गया, फिर आपका पफी का जो एग्जिस्टिंग पफी थी उसका क्या साइज है, ये आपका सोफे का कॉर्नर हो गया है ना, तो ये टेबल 2x4 की थी जिसको कि रीयूज करनी थी हमें। तो ओवरऑल इस तरीके से ये सारी चीजें थी जिसको हम रीयूज कर रहे थे, क्योंकि जब आप चीजों को रीयूज करते हो ना तो डेफिनेटली थोड़ा सा लेबर कॉस्ट और थोड़ा सा फिनिश करने में मटेरियल लगता है, लेकिन ओवरऑल जो मोटी कॉस्ट होती है वो अच्छी खासी बच जाती है। तो ये वो टेम्पल था जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर दी है। तो ये वो कबर्ड था जो कि आप देख सकते हैं। तो इसमें भी हमने इनको बोला था कि फ्रंट पे आपके इसके पल्ले हम जो इसमें चेंज कर देंगे, और पल्लों पे भी मटेरियल्स क्या लगाएंगे वो भी मैं आपको भी आगे बताऊंगा। तो ये इनका बॉटम कैबिनेट था, इसमें भी सेम हमने ये बोला था कि हैंडल और इसके पल्ले जो हम इसको चेंज कर देंगे। तो फिर ये आपका सोफा का कॉर्नर आ गया, ये आपकी टेबल आ गई, फिर ये आपकी पफी आ गई पुरानी, और ये आपका वही पुराना सोफा आ गया। तो ये सारी चीजें आ गई। तो टेम्पल का भी जो है सारा साइज यहाँ पर आ रखा है कि 2 फीट 4 इंच चौड़ा टेम्पल था, 1 फीट 6 इंच की गहराई थी, 6 फीट 7 इंच की लंबाई थी। तो ये सारे साइज भी यहाँ पर आ गए। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं डिजाइन की तरफ। हमने डिजाइन जो है वो किस तरीके से किया, तो जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इसमें क्या करा है कि सोफा जो है हमने एल शेप में इस तरीके से यहाँ पर लगा दिया, और इसके ठीक सामने जो है आपका टीवी पैनल आ गया। अब टीवी पैनल में अगर आप देखेंगे जो बैक आप देख रहे हैं ना, ये चीज अगर आप चाहें तो ये पीओपी की भी बना सकते हैं, और सेम चीज अगर आप चाहें तो ये बने बनाए लोवर्स भी आते हैं
हैं तो लोवर्स में भी आप इसको यूज कर सकते हैं लोवर्स में। और ये जो चीज आप देख रहे हैं ये, फिर ये आपका देख रहे हैं तो ये आपका प्रॉपर जो है लोवर्स लगने के बाद यहाँ पर आपका ये चीज आप लैमिनेट में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आप लैमिनेट यूज कर सकते हैं, अंदर आपकी वुडन लैमिनेट आ गया। एंड अब इसमें देखिए ना, दो चीजें निकल के आती है जब आप लैमिनेट को परचेज करने जाते हैं ना, एक तो आपको 0.8 mm की मिलेगी, 1 mm की मिलेगी। अब 0.8 और 1 mm में अच्छा खासा फर्क आ जाता है, लगभग 50% से ऊपर आ जाता है कॉस्टिंग का फर्क। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं ना, अंदर छोटे छोटे पीस लगे हुए वुडन के, तो यहाँ पर आप 0.8 mm लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लेटे हुए लगे हुए, यहाँ पे आपका सिर्फ इतना पीस है, फिर इतना पीस है, तो यहाँ पे वुडन आप 0.8 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप देखें यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बड़े बड़े पीस जहाँ लग रहे हैं, तो वहाँ पर आप 0.8 को अवॉइड करिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है बीच में से ना थोड़ा सेटिंग आने में इशू आता है, तो बीच में से उठ सकती है। तो जहाँ पे बड़े बड़े पीस लगे वहाँ पे 1 mm लगाइए, जहाँ पर छोटे छोटे पीस लगे 0.8 mm लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम बात करते हैं इसमें, यहाँ पे ये कारपेट आ गया बीच में, फिर यहाँ पर एक टेबल आ गई ग्लास वाली, और सोफा को बेसिकली जो पुराने सोफा को रीयूज करा हुआ है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका लोवर्स आ गए, तो लोवर्स के बीच में यहाँ पे एक्रेलिक ग्लास का यूज कर रखा है यहाँ पर, तो ये आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो ये आपका मोल्डिंग आ गई है, आपकी दो जगह मोल्डिंग आके बीच में आपके लैंप्स आ गए। अब इसमें लाइट्स अगर आप देखेंगे ध्यान से, लाइटिंग का प्लेसमेंट हमने कुछ इस तरीके से कर रखा है, ये देखिए ये बेसिकली लेजर लाइट है, तो यहाँ पे लेजर लाइट यूज कर रखी है। और प्लेसमेंट डेफिनेटली जो लाइट हमारी पुरानी बंद हुई है ना उसको हटाते हुए, मतलब उसके ऊपर नहीं, उसके अलावा अलग से हमने उसकी सेटिंग करी हुई है कि वो अच्छा लगे। बीच में हमने यहाँ पर प्रोफाइल ऐड कर दी है, जब ये ओवरऑल पूरा बन जाएगा इस तरीके से तो डेफिनेटली उसका भी मैं आपको वीडियो आपको क्रिएट करके दूंगा, या फिर जब साइट पे जब हम जाएंगे साइट का भी एक ब्लॉग हम क्रिएट करेंगे। तो ये आपका प्रोफाइल आ गया, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये आपका कोव लाइट आ गया, फिर इधर की साइड में आपका कोव लाइट ऑलरेडी था ही था, जो कि आपका पैलमेट का भी काम कर जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सिंगल सीओ भी यहाँ पर प्रोवाइड करके बीच में आपका शैंडलियर प्रोवाइड कर दिया। और ये शैंडलियर और जो लेजर लाइट है इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। फिर एक और चीज, ये जो टेम्पल है ना सब, तो टेम्पल में क्या कि इन्होंने इस तरीके से कुछ पहले पुरानी प्रोफाइल लाइट यहाँ पर दे रखी, तो मैंने इनको बोला कि अगर आप इस तरीके से डिजाइन देंगे ना, तो एक तो यहाँ पर ज्वाइंट आ रहा है, यहाँ पे ज्वाइंट आ रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कितने सारे ज्वाइंट आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि इस प्रोफाइल लाइट को हम हटाएंगे है ना, और इसकी जगह पे हम जो है यहाँ पर स्ट्रेट प्रोफाइल देंगे ताकि कोई ज्वाइंट ना, क्योंकि ज्वाइंट से क्या होता है कि वो जैसे आपका जो डिफ्यूजर आता है वो थोड़ा सा ओपन होने का भी चांस रहता है। तो बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट सिंपल यहाँ पर प्रोफाइल लाइट रखी है। और यहाँ पे हमने इनके आगे दो ऑप्शन देते हैं यहाँ पे, या तो यहाँ पे आप दो सीओ भी लगा सकते हो, या फिर एक बीच में लेजर लाइट भी आप लगा सकते हो, तीन वाली। और ये जो आप देख रहे हैं ना टेम्पल, तो टेम्पल एक्जेक्टली सेम वही है, बीच में आपका MDF की कटिंग हमने दे दी फ्रंट पे, और यहाँ पे आप बेल्स यहाँ पे टंगा दी है। एंड ये वही आपके जो टॉप कैबिनेट थे, मैंने कहा था इसके पल्ले चेंज कर देंगे। यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे फ्लूटेड ग्लास यहाँ पर हमने यूज कर रखा है, और जो बॉटम वाला पार्ट था वहां पर आपका जो है यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका केन का यूज कर दिया। और ये केन का लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस तरीके से जो है कंप्लीट जो इंटीरियर डिजाइनिंग है हमने यहाँ पर इसको इनकी करी है। और आप देख सकते हैं पुरानी चीजों को, सबसे इंपॉर्टेंट है कि पुरानी चीजों को रीयूज कर रहा है, चीजों का ऑर्गेनाइजेशन उसको सही कर रहा है, लाइटिंग के हमने जो है ध्यान दिया है किन किन एलिमेंट्स को हम इंप्रूव कर सकते थे। तो ये सारे इंप्रूवमेंट के बाद जो ओवरऑल जो इनके पैसे लग रहे थे वो तो उतने ही लग रहे हैं, उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बस हमारी फीस थोड़ी सी उसमें ऐड हो गई, लेकिन जो लुक्स है ना वो बहुत ही ड्रामेटिकली यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो ये एक इंपॉर्टेंट होती है कि इंटीरियर डिजाइनर की जब भी आप घर बनवाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।